सीजन 15 के विनर के अनाउंसमेंट से पहले ही दिया गया है कुछ कंटेस्टेंट्स को अवार्ड्स। वेल, कौन कौन से कंटेस्टेंट्स को किन किन चीजों के लिए मिला है अवार्ड्स, पूरी अपडेट हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं सृष्टि आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने अब तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जरूर कीजिए, मंडल सृष्टि के नाम से मौजूद हूँ। वेल, आपको बता दो बिग बॉस सीजन 15 के ग्रैंड फिनाले में बहुत सारे कंटेस्टेंट्स को मिला है किन किन चीजों के बारे में अवार्ड्स। वेल, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जिसके लिए अवार्ड्स दिया गया है इन कंटेस्टेंट्स को। लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि बिग बॉस सीजन 15 के विनर कौन है, ये रिवीलेशन आज भी हो सकता है और शायद हो ना हो कल भी हो सकता है, तो एक्साइटेड रहिए। लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि सबसे बेस्ट अवार्ड मिला है एंटरटेनर, जी हाँ, बेस्ट एंटरटेनर का अवार्ड मिला है, किसी और को नहीं, राखी सावंत को नहीं भाई, क्योंकि राखी सावंत को देखा था हमने। राखी सावंत की जब एविक्शन हो रही थी तो बिग बॉस ने कहा था कि हम नहीं चाहते हैं कि आप बिग बॉस सीजन 15 की ट्रॉफी जीते, क्योंकि अगर आप बिग बॉस सीजन 15 की ट्रॉफी जीत जाएंगी तो अगले सीजन में आएंगी ही नहीं, और आप सबसे बड़ी वाली एंटरटेनर है, सबसे अमेजिंग एंटरटेनर है, तो हम चाहते हैं कि हर सीजन में आप आए। तो यहाँ पर बेस्ट एंटरटेनर का अवार्ड राखी सावंत को बिल्कुल नहीं मिला है, बल्कि राजीव दात्या को मिला है। बेस्ट गहरी दोस्ती का अवार्ड भी प्रतीक सहजपाल और निशांत भट्ट को नहीं, बल्कि करण कुंद्रा और उमर रियाज को मिला है। अगर बेस्ट ज्वालामुखी की बात करूं तो ज्वालामुखी का अवार्ड मिला है प्रतीक सहजपाल को, तो वहीं बेस्ट शातिर दिमाग का अवार्ड मिला है किसी और को नहीं बल्कि करण कुंद्रा को। तो कुछ ऐसे अवार्ड्स मिले हैं ऐसे कंटेस्टेंट्स को बिग बॉस सीजन 15 के विनरशिप से पहले। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या इन टैग्स के अकॉर्डिंग, इन विनरशिप के अकॉर्डिंग, क्या इन विनर्स का नाम परफेक्ट है या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ ही साथ एंटरटेनमेंट और बिग बॉस से जुड़ी सभी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।